शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दृष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। हे गरुड़ जी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता न होगा। प्रभु समर्थ है, कोसलपुर के राजा है। वे जो कुछ करें उन्हें सब पता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धन काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर त्याग देगा। तब वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई स्वर दूषण के पास गई, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रही हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को देख कर सिंह ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर दौड़े हुए आए, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य धीर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले,
हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों के दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा, पकड़ लो और कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बच्छी, कृपाण, कटार, परिग्रह और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वो शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कृपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोधगर के बाण, शक्ति, तोमर, परसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में दस दस बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया।
सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। कर दूषण का विध्वंस देख कर शर्पणखा जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सूली ही भूला दी। शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर ही दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फूल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि से निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दृष्टि को मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं।
भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने, हे दशशीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है, मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, और हे तात यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तप कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रही हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं
कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटिल विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राह रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही दस सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दृष्टि की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज रख कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृंदराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भर कर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथी रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीद क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो।
पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्राह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं, मानो राज पा गए हो।